आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आईजीएमसी शिमला में मरीजों की डाइट व अन्य सुविधाओं के लिए चार्जेस को नई बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समिति का लक्ष्य रहता है कि अस्पताल में आए मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए आज हुई बैठक में विभिन्न विषय पर चर्चा कर समिति के तहत किसी भी प्रकार के दाम या चार्जेस को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जहाँ तक आरकेएस का ताल्लुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सब प्रकार के रोगी कल्याण समिति का मतलब ये है कि भाई हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या ना हो उनके लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ 10 रुपए ऑन द डाइट टू ऑल द पेशेंट्स एट सब्सिडाइज रेट ऑफ 15 रुपीज पर डे। एक साल के मतलब से फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरी बात, हमने इस आरकेएस समिति की जो आज मीटिंग हुई है हमारी रोगी कल्याण, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रेट हो कोई बढ़ाए भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो जैसे वीआईपी स्पेशल वार्ड हैज बीन रेनोवेटेड, और न केवल रेनोवेटेड उसी का बट जितने भी हमारे ऑल अदर वार्ड्स आर देयर दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड, उनकी जैसे और कोई व्यवस्था साथ में शौचालय उनका सैनिटेशन, उसके लिए भी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज सिक रूम है दे हैव बीन आल्सो रेनोवेटेड। और खासकर मैं हमेशा एक मॉडल देता हूँ जो मैं देखा था खुद डलहौजी में जाकर, पहली बार मैं देखा, दूसरी बार मैं दोबारा देखने गया उसको, वहाँ पे वाकई उन्होंने सैनिटेशन की बहुत अच्छी सुविधा की। हो सकता है कि हमारा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो रश है जो ओपीडी है इट्स मच 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 हायर देन दैट प्लेस, पर वहाँ का जो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ भी बताता हूँ कि उनकी सैनिटेशन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की दिखी मुझे और धीरे धीरे वही फॉलो की जा रही है हमारे अपने हॉस्पिटल में भी।